आदिवासी जननायक टांटिया मामा की पुण्यतिथि 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश में बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। बलिदान दिवस का मुख्य आयोजन इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों का जायजा शनिवार को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर ने लिया। दरअसल आपको बता दें, 4 दिसंबर को टांटिया मामा भील बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इंदौर में होने वाले भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। इस दौरान भंवरकुआं चौराहे पर टांटिया भील की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आदिवासी समाज के युवाओं को संबोधित करेंगे। बलिदान दिवस के एक दिन पहले मंत्री तुलसीराम सिलावट, उषा ठाकुर, इंदौर संभाग आयुक्त पवन शर्मा, कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने नेहरू स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। टांटिया मामा का बलिदान दिवस कल इंदौर में मनाया जा रहा है, नेहरू स्टेडियम में ये तैयारी। मामा हमारे समाज के, टांटिया मामा जो जन नायक है, वो समाज का गौरव है, समाज का विश्वास है, समाज की आस्था है और समाज का संकल्प है। उनका ऐतिहासिक गौरव दिवस कल इंदौर में मन रहा है और इंदौर जब भी कोई काम करता है अद्भुत और ऐतिहासिक करता है। कल भी एक नया इतिहास जो हमारे जन नायक हैं टांटिया मामा, उनके नाम पर करने जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि इसकी छाप, इसकी गूंज इंदौर के साथ मध्य प्रदेश और राष्ट्र में गूंजेगा। ये प्रोग्राम बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पार्किंग व्यवस्था को लेकर सब व्यवस्थित होगी, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। पार्किंग से लेकर हर सारी व्यवस्था सुचारू रूप से तैयारी है हमारी। आप देख रहे हैं कि अद्भुत और अनूठी तैयार है। क्रांति सूर्य जननायक टांटिया मामा का कल बलिदान दिवस है और इन सबके बलिदानों ने हम सबको आज़ादी दिलाई है। तो शासन प्रशासन है पूरी प्रतिबद्धता के साथ उनके इस उत्सव को मनाने में लगा हुआ है। सारी तैयारियां पूर्णता के और डेफिनेटली ये एक्चुअली राज्य स्तरीय ना प्रोग्राम है, मतलब इंदौर को बाकी हर बार है ना हम लोग इस प्रोग्राम को यहाँ आयोजित कर रहे हैं। मतलब लार्ज लेवल पे आदिवासी जन नायक है उनके ना सम्मान के ना ये कार्यक्रम है, उसके लेकर है ना एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कितने भी है ना तैयारियाँ ना वो पूरा तैयारी कर ली गई है। जैसे कि अभी हम लोग ना मंच पे खड़े हैं, लोगों को ना बैठने के लिए प्रॉपर है ना स्वच्छ जैसे व्यवस्था है ना की है और LEDs भी ना लगा रहा है, मतलब बाहर के LEDs लगा रहा है, मतलब ना लोग ना देख सके। इसके साथ साथ है ना गवर्नमेंट की स्कीम से अभी है ना काफ़ी अच्छे तरीके से ना हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें पीसा एक्ट है, कानून है नया आया है, उसका प्रावधान को लेकर सभी तरीके से भी है ना लोगों को ना प्रदर्शनी टाइप का ना चीज़ें लगाया गया है। इसके साथ साथ है ना लोग जब आते हैं उनका ना बसेस की व्यवस्था, उनकी खाने पीने की ना व्यवस्था और यहाँ है ना बंदाल पे ना उनके ना पानी की व्यवस्था। इसके अलावा मतलब हम लोगों ने इमरजेंसी ना मैनेजमेंट प्लान भी बनाए हैं, उनका हेल्थ मूवमेंट प्लान भी बनाए हैं लोगों के ना कोई चीज़ है तो मतलब हम कैसे अटेंड करें, फायर सेफ्टी से लेकर पूरी क्राउड मैनेजमेंट प्लान बनाए। हर सेक्टर में एक एक है ना सेक्टर मजिस्ट्रेट जैसे हम लोग नियुक्त करते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ना रखेंगे हर सेक्टर में। इसी प्रकार का हम लोगों ने टोटल 22 सेक्टर्स है ना पूरी बंगाल में आइडेंटिफाई किए हैं, उनका आज 2:30 बजे ना ब्रीफिंग भी रखा है। ओवरऑल इसके अलावा हमारी पाताल पानी और भंवरकुआं दो जगह है ना और कार्यक्रम है। पाताल पानी में भी सारी व्यवस्था है ना कर ली गई है एंड भंवरकुआं में मूर्ति का है ना अनावरण होगा, उसके लेकर भी हमने तैयारी। शहीद टांटिया मामा बलिदान दिवस के इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के युवा शामिल होंगे, जिन्हें पैसा कानून सहित आदिवासी समाज के लिए चलाई जा रही योजनाओं से अवगत कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।